हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू लेसन द गंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश रीडर के थर्ड लेसन द गंगा को पढ़ेंगे और इसके जो राइटर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन रियलिटी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेसन को नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने अपनी एक विल लिखी थी, अपनी एक वसीयत लिखी थी। और वसीयत में उन्होंने एक पॉइंट ये लिखा था कि जब भी मेरी डेथ हो, तो चाहे मैं जहां भी रहूं, जिस देश में भी रहूं, मेरा वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन जो मेरी अस्थियां होंगी उन्हें बचा कर ना रखा जाए, उन्हें सुरक्षित ना रखा जाए, बल्कि उसका एक हिस्सा तो गंगा नदी में डाल दिया जाए। और अब उन्होंने बोला कि गंगा नदी में डालने के पीछे कोई मेरा धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनसे मैं बचपन से जुड़ा रहा हूं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो बोलते हैं कि मैं बचपन से ही गंगा यमुना को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा उनसे बचपन से ही लगाव रहा है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ ये लगाव और ज्यादा बढ़ता रहा है। तो इसीलिए मेरी जो अस्थियों का एक हिस्सा होगा वो गंगा नदी में डाल दिया जाए, और इसका जो बड़ा हिस्सा होगा, वो जो मेजर पोर्शन होगा, उसे एक एरोप्लेन से बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए, और वहां से फिर उन खेतों के ऊपर डाल दिया जाए जहां भारत के जो किसान हैं वो परिश्रम करते हैं, ताकि वो मिट्टी, जो मेरी मातृभूमि जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, उसी की मिट्टी में मिल जाए और उसका एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं अपने लेसन के टेक्स्ट को। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट I can do to repay even a small fraction of it. Receive means मिलना, love means प्यार, और affection means स्नेह। Indian people भारतीय लोगों का, nothing कुछ भी, repay means चुकाना, small fraction एक छोटे से हिस्से को, फिट इसके, मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिला है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसके एक छोटे से हिस्से को भी नहीं चुका सकता हूं। And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Indeed, वास्तव में repayment बदला, precious means कीमती और affection means प्रेम, और वास्तव में प्रेम स्नेह जैसी कीमती वस्तु का कोई बदला भी नहीं हो सकता है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many means बहुत सी, admire means प्रशंसा किया जाना, revered means सम्मानित किया जाना, affection means ने all classes सभी वर्गों का, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन भारत के लोगों की सभी all classes सभी वर्गों का स्नेह मुझे इतना ज्यादा मिला है, in such abundant measure इतनी अधिक मात्रा में मिला है, overwhelmed means चकित हो जाना, लेकिन भारत के सभी वर्गों का प्यार मुझे इतनी ज्यादा मात्रा में मिला है कि मैं इससे चकित हो गया हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. Express means प्रकट करना, hope means आशा। मैं केवल ये आशा प्रकट कर सकता हूँ कि रिमेनिंग ईयर्स बचे हुए वर्षों में, कि मैं जब तक भी जीवित रहूंगा, मैं अपने लोगों के और उनके प्यार के अयोग्य नहीं बनूंगा। मैं अपने लोगों के प्यार को हमेशा हासिल करने की कोशिश करता रहूंगा। टू माई अननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेट एंड ग्रेटिट्यूड। इनमरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स साथी, और कलीग्स मीन्स सहकर्मी। ओवन ए डीपर डेट अत्यधिक ऋणी होना, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का। अपने असंख्य साथियों के और सहकर्मियों की कृतज्ञता का मैं अत्यधिक ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड दियर ट्रम्प्स एंड सोरोज विच इनविटेबली एकम्पनी देम। ज्वाइंट पार्टनर्स साथ ही रहे हैं ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, और शेयर्ड मीन्स बांटना, ट्रम्प्स मीन्स विजय, सोरो मीन्स दुख, इनविटेबली निश्चित रूप से, एकम्पनी देम उन्हीं के साथ होना। और हम अपनी महान जिम्मेदारियों में साथी रहे हैं, और अपने सुखों को, अपने दुखों को, अपनी जीत को, जो निश्चित रूप से मेरी उन्हीं के साथ थी, उन सबको हमने बांटा है। When I die, I should like my body to be cremated. Cremated means दाह संस्कार किया जाना। जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country,
माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू अलाहाबाद फॉरेन कंट्री विदेश में। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए और मेरी जो अस्थियां हैं अस्थियां सेंट टू अलाहाबाद उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का वहीं पर अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। थ्रोन मीन्स डाल दिया जाना। स्मॉल फ्रैक्शन स्मॉल हैंडफुल एक छोटी मुट्ठी भर। इन अस्थियों का एक छोटा मुट्ठी भर तो गंगा में डाल दिया जाए एंड मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और मेजर पोर्शन बड़ा हिस्सा ऑफ दैम उनका किनका अस्थियों का डिस्पोज ऑफ मीन्स है समाप्त किया जाना मैनर तरीका इंडिकेटेड बिलो नीचे बताए गए तरीके से और उनका जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे बताए गए तरीके से समाप्त किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व और नो पार्ट कोई भी हिस्सा इन अस्थियों के किसी भी हिस्से को रिटेन मीन्स है बचा कर रखना और प्रिजर्व मीन्स है सुरक्षित रखना और इन अस्थियों के किसी भी हिस्से को ना तो बचा कर रखा जाए और ना ही सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। माई डिजायर मेरी इस इच्छा का कि एक हैंडफुल ऑफ माई एसेस की मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर थ्रोन डाल दिया जाए गंगा में एट इलाहाबाद में नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस कोई धार्मिक महत्व नहीं है एज फार एज जहां तक आई एम कंसर्न मेरा संबंध है मेरी शिक्षा का जहां तक मेरा संबंध है मेरी शिक्षा का कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर इलाहाबाद में गंगा नदी में डाल दिया जाए इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर और रिलीजियस सेंटिमेंट ना कोई धार्मिक भावना है सेंटिमेंट मीन्स भावना इन द मैटर इस मामले में और इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन अलाहाबाद इवन सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन। अटैच मीन्स जुड़ा होना मैं इवन सिंस माई चाइल्डहुड अपने बचपन से ही अलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रोन ओल्डर बड़े होना और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया दिस अटैचमेंट जो ये लगाव है ऑल्सो ग्रोन ये भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरे बचपन से ही मैं अलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरा इनसे जो लगाव है वो भी बढ़ रहा है। आई हैव वॉच्ड दे आर वेरिंग मोड्स एज द सीजन चेंज मौसम बदलना वेरिंग मीन्स बदलते हुए मोड मीन्स रूप को और जैसे जैसे मौसम बदलते हैं तो मैंने उसके बदलते हुए रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स एंड आई हैव मैंने मौसम बदलने के साथ उसके बदलते हुए रूपों को देखा है और हैव ऑफन थॉट और प्राय सोचा है ऑफ द हिस्ट्री हिस्ट्री मीन्स इतिहास मिथ मीन्स पौराणिक कथा ट्रेडिशन मीन्स परंपरा सॉन्ग स्टोरी उस गीत और कहानी के बारे में दैट हैव बिकम अटैच्ड जो जुड़ी हुई है टू देम उनसे थ्रू द लॉन्ग एजेस लंबे समय से और बिकम पार्ट हिस्सा बन गई है ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स उनके बहते हुए पानी का और मैंने उस इतिहास के बारे में पौराणिक कथा परंपरा गीत और कहानी के बारे में सोचा है जो उनसे युगो युगो से जुड़ी हुई हैं और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। इस पैराग्राफ को काफी ध्यान से देखें। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो इस पैराग्राफ को काफी ध्यान से देखें। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। स्पेशली विशेष रूप से गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल उसके लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विंड हर रेशियल मेमोरीज हर होप्स एंड फियर्स हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स और राउंड विच जिसके चारों तरफ इंटरट्विन मीन्स है जुड़े आपस में जुड़े हुए होना रेशियल मेमोरीज रेशियल मीन्स जातिगत मेमोरीज मीन्स यादें होप्स आशाएं फियर भय सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प विजय गीत और विक्टोरीज विजय और डिफीट पराजय। गंगा विशेष रूप से भारतीयों की नदी है उसके भारत के लोगों की प्रिय रही है और इसके चारों तरफ उसकी जातिगत यादें किसकी गंगा भारत के लोगों की
और उसके चारों तरफ भारतीय लोगों की जातिगत यादें, उनकी आशाएं, उनके भय, उनके विजय गीत, उनकी विजय और पराजय सब आपस में जुड़ी हुई हैं। कहां पर? गंगा के चारों तरफ, क्योंकि सबकी कुछ न कुछ यादें उससे जुड़ी रहती हैं कि तब हम गंगा के पास गए थे, हमने ये किया था, वो किया था। गंगा से आशाएं होती है, भय होती है, गंगा नदी में डालेंगे तो पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि उससे उनकी यादें, उनके भय, उनकी आशाएं, उनके विजय गीत, उनकी विजय पराजय सब उससे चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। शी हैज बीन अ सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक, इंडियाज एज लॉन्ग मीन्स काफी प्राचीन, कल्चर मीन्स संस्कृति और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। वो भारत की अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रही है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रही है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा बनी रही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, पीक्स मीन्स चोटियां, और डीप वैलीज गहली, डीप मीन्स गहरी और वैलीज मीन्स घाटियां। वो मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, और जिनसे मैंने अत्यधिक प्यार किया है। किनसे? बर्फ की चोटियों से और गहरी घाटियों से। एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और उन रिच मीन्स उपजाऊ और वास्ट मीन्स विशाल, प्लेन्स मीन्स मैदान, और उन विशाल और उपजाऊ मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ, जहां पर मेरा जीवन एंड वर्क और मेरा जो कार्य है बिन कास्ट, उनका निर्माण हुआ है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन, ओके, बाय।